सच सच बताइए, कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, और अगर ये बात सच है तो हम समझ सकते हैं कि उस पत्नी पर क्या बीतेगी जिसका पति कुछ ही दिन पहले खत्म हो चुका हो। नहीं, वो तेज नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो तेज नहीं है, वो विक्रम है, विक्रम, हमारा बेटा विक्रम। पता नहीं उसके दिमाग पर ऐसा क्या असर पड़ा है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है कि ये सब ऊपर वाले का खेल है और इस समझदार से अब हमें ऊपर वाला ही निकालेगा। लेकिन एक बार अपना आंचल मिलाकर तुमसे भीख मांगती है कि जब तक मेरा बेटा अच्छा नहीं हो जाता उसका तुम ख्याल रखो, उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी है। हम ये नहीं कहते कि तुम उसे अपना पति मानो, लेकिन जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम उसका ख्याल रखो, हम पर रहम करो। अरे अरे बस करो, ये सब बहुत हो गया है। पहले बेटा आया था नाटक करके गया है, अब माँ बाप आए हैं नाटक करने के। अरे ये कोई ड्रामा कंपनी है क्या? सच्चाई तो सच्चाई है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। चलो विक्रम जी। अरे साला, बर्दाश्त करने का भी कोई हद होता है कि नहीं? भाई कहाँ नौटंकी लगा रखा है घर में, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया नौटंकी। दोस्त, क्या सोच रही है तुम? जय, वो आदमी जो अपने आप को तेज कहते हैं, चाहे कोई भी हो, हम उसे ही घर में लेकर आएंगे। अरे पागल हो गई हो तुम, ये कैसी बात कर रही हो? ये सब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, पता नहीं ये माँ बाप भी असली थे या नहीं, और तुम इनकी बातों में आकर उस भैरू पे को घर में लाने की बात कर रही हो। जय, का तुम्हें भी लगता है कि हो ना हो विक्रम के शरीर में तुम्हारे तेज भैया का आत्मा है, और अगर ऐसा ना भी हो तो आज जिस तरह हम एक माँ को ने बेटे के लिए रोते हुए देखे हैं, ना आंचल फैलाकर उसके जिंदगी के लिए भीख मांगते देखे हैं, उसके बाद हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। विक्रम के लिए ना सही, पर उसकी माँ के लिए तो हमारा फर्ज बनत है ना। और रही बात उसे तेज मानने की, तो ये दुनिया में तेज की जगह और कोई ना ही ले सकते है। उसे हम तेज कभी मान ही नहीं सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम चाहते हैं कि वो आदमी हम लोगों के बीच में ही रहे। वो कहा है ना, अगर उसे कुछ हो जाते हैं तो एक माँ का बहुत ही बड़ा कर्ज हम पर रह जाएगा, बहुत ही बड़ा कर्ज। हमको पूरा भरोसा है बिट्टू,
एक ना एक दिन तुम्हें अपने तेज की सच्चाई पे भरोसा होकर रहेगा और तुम हमारे पास आओगी हमको लेने के लिए। बिट्टो तुम आ गई। बिट्टो हमको पूरा भरोसा था कि तुम्हें हमारी सच्चाई पे यकीन जरूर हो जाएगी। कोई हमें पहचाने या ना पहचाने, लेकिन हमें पता था तुम हमें जरूर पहचानोगे। देखिए हम आपको घर ले जाने जरूर आए, पर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है और ये बात अब हम स्वीकार कर चुके हैं। आप जो भी हैं, मेरे पति ना ही हो सकते हैं। तो क्यों आई? बोलो ना, क्यों आई हो तुम? अभी भी और सवाल है तुम्हारे दिमाग में? कुछ और पूछना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा तेज हूँ, इसका तुम्हें और सबूत चाहिए? बोलो ना। हमें अपने पति को पहचानने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हम तो इंसानियत के नाते यहाँ पे आए हैं, एक माँ की परेशानी देखकर यहाँ पर आए हैं। उस माँ के लिए आए हैं जो तुम्हारे लिए परेशान है, जिसके रो रो कर आंसू सूख गए हैं तुम्हारे लिए। देखिए हमारा तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं है, एक माँ की भावना के आके हार कर हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं विक्रम। देखो बेटो, हम नहीं जानते कि तुम किनके आंसुओं की बात कर रही हो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने हमें एक मौका दिया है और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हें हमारी सच्चाई पे भरोसा हो जाएगा। दुनिया में करिश्मे होते हैं, उम्मीद तो ये है कि एक ना एक दिन तुम इस करिश्मे को स्वीकार लोगी। भगवान के लिए हमें छोटे सपने मत दिखाइए। इस दुनिया में कोई करिश्मा नहीं होता है, अगर करिश्मा होता तो भगवान हमसे हमारे तेज को ना ही छीनते। मत दिखाइए हमें सब, मत दिखाइए। बिट्टो पीछे पीछे काहे टहल रही हो? और ऐसे घूर काहे रही हो हमें? अरे हम तो आपका हालत देख रहे थे। जब से वो भैरूपी ने ये का कह दिया है कि तेज देवर जी के टेम्पो का ब्रेक फेल था, आपको तो जैसे सांप ही सूंघ गया। सांप सूंघ नहीं गया, डंक मार गया। और हमें डर इस बात का है कि अब तक जो महलों का सपना देख रहे थे ना, कहीं काल कोठी में ना जाना पड़े। अरे सुप सुप बोलिए ना, एकदम शांत दिमाग से सोचिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अरे खाक रास्ता मिल जाएगा। अरे इसे क्या हुआ और यहाँ कहाँ से रही है? अरे फिर से तो कोई हंगामा नहीं खड़ा कर दी ना गाँव में? ए नौटंकी, हम यहाँ दोबारा क्या करने आए बे? ऐसे तो हमने बहुत बेशरम देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा वज्र बेशरम आज देख। यहाँ क्या करने आए हो? इतना हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हम ना तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए और ना ही हमें आप लोगों से कोई लेना देना। हम तो यहाँ सिर्फ अपनी बिट्टू का विश्वास जीतने आए। अरे ये कोई कंपनी बात नहीं है कि मुंह उठाए और आ गए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने का? और किसका इजाजत से तुम यहाँ आए हो? बिट्टो की। बिट्टो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई महारानी विक्टोरिया का परमिशन लेके आए हो और उसको ये
अधिकार किसने दिया कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका निर्णय वो ले ले। अब इस हवेली में उसका इज्जत होगा जिसका दो कौड़ी का इज्जत नहीं है इस हवेली में। भाभी, इससे पहले कि हम ये भूल जाएं कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए हमारी पत्नी के बारे में। आपको अच्छी तरह पता है कि जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत के लिए अपने माँ बाप अपने परिवार तक को छोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तेज प्रताप सिंह नाम है मेरा, याद रखिएगा। आदमी को हमारी बात काहे समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता है। हमें हिम्मत दीजिए, हमें आपके सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये आदमी अपने आप को आपकी जगह रखकर देखता है, हम इसे घर पर लेकर आए हैं। काहे ना, एक माँ की परेशानी हमसे देखी नहीं गई। हिम्मत दीजिए, भरोसे पर हम खरा उतर पाए। वादा किया था कि जब मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा। लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जितना मर्जी वक्त ले लो मुझे समझने के लिए, सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार। आज हम तुम्हारे लिए झुमका लेकर आए, झुमका लेकर आए। चलते हैं, नहीं तो देर हो जाए, नहीं तो देर हो जाए, नहीं तो देर हो जाए। मुझे नहीं पहचान पाए मेरे भाई। अरे तुम तो मेरे सबसे करीब थे, मुझे जान से ज्यादा चाहते थे, फिर मुझसे इतनी नाराजगी क्यों? देखो, तुम जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो, तुम ना ही बिट्टो तुम्हें कभी अपना पति मान सकती है और ना ही मैं तुम्हें कभी अपना भाई। एक और बात बहुत अच्छी तरह से सुन लो, तुम ये बिट्टो की इंसानियत है कि आज तुम यहां इस घर में खड़े हो। बिट्टो ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें उठाई है, इसलिए
अगर तुम्हारी वजह से बिट्टू को कुछ भी दुख पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। मुझे आज सच में बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे भाई, जिसने मेरी पत्नी को मेरे पीछे से भी तकलीफ नहीं होने दी। मुझे खुशी है कि तुम बिट्टो की इतनी फिक्र करते हो। लेकिन जय, मैं भी अपनी पत्नी को जानता हूं कि उसे एक ना एक दिन यकीन हो ही जाएगा कि मैं ही तेज प्रताप हूं, और उस दिन तुम भी मान जाओगे कि मैं अपनी पत्नी की जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए आया, तुम्हारी दोस्त को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। आज का दिन देखने को मिल रहा है हमको, ससुरा बिट्टू के चक्कर में एक बार रुपया हमको ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को घर में घुस कर धमकी देकर चला गया, और हम चुपचाप खड़े उसका धमकी सुनते रह गए। अरे काहे सुनते रहे उसका बात, काहे नहीं दबाते उसका? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वैसे ये खून का बोझ जिस सर पे घूम रहे हैं, पता नहीं कब पकड़ में आ जाए। और चाहती का होता इस सरे हम दूसरा खून करके जेल के अंदर चले जाए? हाँ तो क्या करेंगे? अरे करेंगे का? ऐसे ही उसका बात सुनते रहेंगे का? कोई और उपाय तो निकालना ही पड़ेगा उसका, और कोई ऐसा उपाय जिससे सारा सच्चाई बाहर निकल के आ जाए। कमरे में क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं कि भगवान का एक ऐसा करिश्मा, जिंदगी दी तो पहचान छीन, और ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरे खुद के परिवार वाले मुझसे मेरी पहचान का सबूत मांग रहे हैं। चाय पियेंगे आप? जरूर, लेकिन ये तो तुम अपने लिए लाई हो। हम नीचे जाके पी लेंगे, अगर आपको पीनी है तो पी लीजिए। बिट्टू, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? एक ही कप में चाय पी लो। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि एक कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता? हम एक ही कप में चाय पी, हम एक ही कप में चाय पी। वो कहा है कि एक कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता, चाय पीने से प्यार बढ़ता। लो पियो। हमें नहीं पीनी है चाय। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा प्यार बढ़े? पियो ना। नहीं पीनी। पियो ना। यार तब बढ़ता है जब होता है, और हमारा प्यार तो हमारे पति के साथ ही मर चुका है, खत्म हो चुका है। उस मरे हुए प्यार को कोई जिंदा नहीं कर सकता है। चले जाइए कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से। सुना नहीं आपने हमने कहा चले जाइए इस कमरे से? चले जाइए। तुम यहाँ मजनू की तरह मुंह लटकाए खड़े हो, वहाँ उस जनार्दन तुम्हारे खुशियों के घर पर कब्जा करने गया। सच कह रहे हैं?
अरे वो तो इसी खुशी में पागल है कि उसको बचाने के लिए तेज तो है। ससुरे जनार्दन का ही हिम्मत हमारे घर पर कब्जा करने चला है। लगता है पुराना मोहर भूल गया ससुर। आज उसको भी हम ये यकीन दिला ही दें कि तेज प्रताप अभी मरा नहीं। अरे उस ससुरा बहरूपिया अभी कुटिया में गया, दर्द दबोचो साले को वहीं पर, और इतना पीटो कि कबूल कर ले कि वो तेज नहीं है, बहरूपिया है। अरे पैसों की चिंता मत करो तुम लोग, दुगना देंगे तो काम होना चाहिए। और हाँ, अगर वो कबूल करने से इनकार करे ना, खत्म कर देना ससुरे को, और कौनो रहम दिखाने का जरूरत नहीं। तो कोई भी नहीं, रुद्र भैया ने तो कहा था। अच्छा, वो जनार्दन मां इतनी हिम्मत भी ना है कि खुद हमारे सामने आके खड़ा हो सके। ये गुंडे भिजवाए हैं तो आ जाओ, जिसके अंदर हिम्मत है ये घर पे कब्जा करने का। वो सब छोड़, पहले सच सच बोल, तू है कौन? तेज प्रताप सिंह। तू ऐसे नहीं मानेगा। कौन है तू और किसके कहने पर यहाँ आया है और तेरी सच्चाई क्या है? बोल, वरना आज तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ तेज प्रताप सिंह है। कौन है तू? बोल बोल। खैर चाहती है तो चली जाओ यहाँ से। हम इन्हें ऐसी हालत में छोड़ के ना ही जा सकत है, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो कौन आज नहीं आने देंगे हम? छोड़ दो, छोड़ दो इसे। इसे नहीं मानूंगी। इसे मत मिटाओ। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें हम इंसानों का कोई हाथ नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ।
भगवान की मर्जी के आगे हम इंसान क्या है? पीका है, हमें बचाने के चलते आपके हाथ में इतना बड़ा घाव। उस दिन भी हमारे हाथ पे ऐसा ही घाव पड़ गया था, जिस दिन वो जनार्दन तुम्हें पकड़कर पुरानी फैक्ट्री ले गया था, उस दिन भी तुमने सब छोड़कर हमारे हाथ की ऐसे ही पट्टी की थी, याद है तुमको? आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे यहां बचाने आ गई। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर तुम मेरे अंदर तेज को नहीं देखती, तो तुमने ये क्यों किया? कोई काम तो होता नहीं है, फिर बोलोगे पैसा चाहिए। फोन रख। देखा, यही होता है बिना सोचे समझे कदम उठाने का नतीजा। अरे चुप रहो। सुहागन की तरह मांग भरा हुआ नहीं होगा तो क्या? बिट्टो का मांग हमने भरा। हमने तेज प्रताप और अगर एक पति अपनी पत्नी की मांग भरता है तो उससे उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती, बल्कि एक सुहागन की मांग का मान बढ़ता है। समझ गए हैं, अब तुमने एक अपना पति मान ही लिया है, हाँ? धन्य हो बिट्टो रानी, धन्य हो। तुमने तो अपना पूरा इंतजाम ही कर लिया है, काहे कि अब सारी जिंदगी अकेले तो नहीं काटना पड़ेगा। अरे तेज देवर जी नहीं रहे तो क्या हुआ? भगवान जी ने तुम्हारे लिए दूसरे तेज देवर जी भेज दिए हैं। प्रभु का किस्मत दिया है ये लड़की को। अरे एक पति गया तो दूसरा पति आ गया, और दूसरा जाएगा तो तीसरा जाएगा। अगर
ऐसा ही चलता रहा ना तो जिंदगी में कभी पति का कमी नहीं होगा। तो बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। हमने जले पे नमक मत छिड़किए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। ये सब कहा है जय? हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिट्टो का मांग भरा हुआ है और उस ससुरा बहरुपिया बोल रहा है कि बिट्टो का मांग उसने भरा है। अरे ये सब का नाटक चल रहा है अपने घर में? ये नाटक तो मेरे भी समझ में नहीं। आज एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं तो यकीन तो नहीं करने लग गई कि तेज भैया सचमुच वापस आ गए। अरे कैसा बेवकूफों की जैसा बात कर रहा जय? कोई मरने के बाद आज तक वापस लौटा है जो ये लौट कर वापस आ जाएगा? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ भैया। या तो सच में इस आदमी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये आदमी एक बहुत बड़ा शातिर इंसान है। लेकिन असलियत में ये क्या है ये जल्द से जल्द पता करना होगा, वरना ये दोस्त के इमोशंस का गलत फायदा भी उठा सकता है। तुम दोनों भाई ना ऐसा ही सोचते रहो, हाथ पर हाथ धरे हो, पर वो बहरुपिया घर में घुसकर जो मर्जी आए वही करता जा रहा है। देख लेना, एक दिन हम लोग का घर से बाहर फेंक के ना सड़क पर खड़ा करवा देगा वो। हाँ भाभी, इस आदमी की असलियत अब जल्द से जल्द पता लगानी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका मकसद क्या है। भाभी की बात का बुरा मत मानो बिट्टू, तुम तो जानती हो ना उनकी आदत कैसी है। सीधे मुंह तो वो किसी से बात तक नहीं करती। ऐसे लोगों की बातों को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ मत दो बिट्टू, तुम जानती हो ना तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरी बात तो सुनो बिट्टू। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें हमें परेशान मत करिए। अब आप अगर आप हमारे साथ कौनो खेल खेल रहे हैं तो आपके इस खेल की वजह से हम अपनी नजरों में गिरते जा रहे हैं। मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने पति से प्यार किया है और मरते दम तक सिर्फ उन्हीं से प्यार करते रहेंगे। उनकी जगह और कोई ना ही ले सकता था तो ही ना। नहीं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है बिट्टो, हम जानते हैं तुम सिर्फ हम ही से प्यार करते हो और ये तुम्हारे प्यार की ताकत ही तो है जो आज हम तुम्हारे सामने खड़े। लेकिन हमें समझने की कोशिश करो बिट्टो। इस घर में जितना दिन आपको खाना नसीब होता है ना खाई लो। यहाँ से निकलने का बाद पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकर खाना पड़ेगा। तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? अरे अच्छा कैसे बोले जब चारों तरफ बुरा ही बुरा हो रहा है। अरे जायदाद अपना नाम करने चले थे तो पता चला वो बिट्टो के नाम है। जायदाद हड़पने के लिए वो बिट्टो का अंगूठा लेने चले गए देवर जी बीच में आ गए। और उसका बाद ही भरुपिया। अरे सोचा था कि बिट्टो रानी कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन ना ही। अरे लगता है उसको भी मान लिया है कि वही तेज बाबू है। अरे उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? होता ये है कि
ही जायदाद होगा बिट्टू रानी का और हम लोग मांगेंगे सड़क पर भीख। तो एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, अब चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जब हम अपने सगे भाई को ऊपर पहुंचा सकते हैं, ये कौन से खेत की मुरई है? हाँ रुक गया तुम्हारा, उतारो। अरे अरे ये क्या नौटंकी लगा रखा है तुमने? साबित नहीं करना चाहते हैं बिट्टू, लेकिन अपने होते हुए हम तुम्हें विधवा के रूप में और नहीं देख सकते। तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां थी, तुम्हारी जिंदगी में जो रंग थे, वो मेरी वजह से थे। लेकिन मेरे जाने के बाद इस दुनिया ने तुमसे वो सारी खुशियां, सारे रंग छीन लिए और अब मैं तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी में वही खुशियां, वही रंग वापस भरना चाहता हूं। गंदी जबान से हमारा नाम मत लीजिए। आपको होश भी आप क्या कर रहे हैं? एक विधवा औरत की जिंदगी में रंग भरने की बात कर रहे हैं आप? हमारे पत्नी धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं आप। अपनी हद में रहिए। वाह बिट्टो रानी वाह, अब तुमको हद का ख्याल आ रहा है? अरे ये बहरूपिया को तुम खुद ही सर पर चढ़ाई हो तो हद पार नहीं करेगा क्या? भाभी 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 बस बहुत हो गया आपका नाटक, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अरे अगर हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि इंसानियत के नाते हम आपको यहाँ ले आए, तो एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपकी पत्नी नहीं है और आपका और हमारा कौनो रिश्ता नहीं है। आपका नाम तेज नहीं, आपका नाम विक्रम है विक्रम। इसलिए हमारी चिंता करना छोड़िए और अपने माँ बाप की चिंता कीजिए।
जो अपने बेटे के लिए परेशान है। अरे देखो मुझे, पहचानो, मैं तेज हूँ। वही तेज जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपने परिवार तक को छोड़ दिया था, और आज तुम्हें मुझे पहचानने से मना कर रहे। याद करो तुमने मेरा प्यार पाने के लिए क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। और आज तुम खुद अपने प्यार को अपने रिश्ते से दूर जाने के लिए कह रही हो। कैसे चला जाऊं बिट्टू, कैसे चला जाऊं? तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूं, और तुम मुझे अपना नहीं मानकर मेरी जिंदगी बेरंग करना चाहती हो। क्यों बिट्टू, क्यों? ए, तुम नहीं। जय, आज तुम भी मेरे और बिट्टू के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। ये एक सुहागन की निशानी है बिट्टू, और तुम्हारी असली पहचान, इसे मत ठुकराना। ठीका बदतमीजी है, कौन है आप हमारी जिंदगी बेरंग करके इसकी जिंदगी रंगीन करने चले हैं? हमारी मांग का सिंदूर उतार कर इसकी मांग में सिंदूर भरने चले हैं आप? पहले ये बताइए कि आप हैं कौन, और ये क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपको हमसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं। हक है हमको, आपकी पत्नी है हम। पत्नी? अरे पागल हो गई हैं आप, क्या बात कर रही हैं? हम तो आपको जानते तक नहीं है, आप काहे जबरदस्ती हमारे गले पड़ रही हैं? मेरी शादी बिट्टो से हुई है, और ही हमारी पत्नी है ही। और यहां झूठ बोलकर हमसे उलझने की कोशिश मत करिए। बिट्टो, ये लड़की झूठ बोल रही है, हम इसको जानते तक नहीं है। पता नहीं कौन है ये, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। तुम तो अपने आप को, अपने माँ बाप को तक नहीं पहचानते हो। अरे अपने लोगों को तो छोड़ो, तुम दूसरे लोगों के पीछे हाथ फोड़ के पड़ गए हो। बहुत परेशान कर दिया भाई तुमने। अरे लेकिन आप, ए चुप! बहुत बर्दाश्त किया तुम्हारा नौटंकी, अब नहीं। भैया आप इस लड़की की बात पर भरोसा कर रहे हैं, हमारी बात पर नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है। ए चुप! ज्यादा बोला ना तो यहीं टैटुआ दबा दूंगा। एक मिनट रुद्र भैया, अच्छा हुआ जो आप यहां आ गए, वरना इनके माँ बाप तो इन्हें हमारे ही सर पर थोप कर चले गए थे। अब आप आ गई है तो सारी बात साफ हो जाएगी। वही तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी शादी करने के चक्कर में है। दूसरी शादी? बिट्टू के अलावा हमारी जिंदगी में ना तो कोई लड़की थी, ना है, और ना कभी रहेगी। कब की है हम शादी आपसे? लगता है सपना देख रही हैं। बंद करिए अपना ये सपना देखना। हम आपको आज पहली बार देख रहे हैं और आप हमसे शादी की बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अब तो कहेंगे आप, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए, सपना हम नहीं देख रहे, सपना आप देख रहे हैं। सपने से बाहर निकलिए, हमने कोर्ट में शादी की है, ये आपको भी पता है क्या?
भगवान के लिए इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो तुम। हमारा पहला और आखिरी प्यार हमारी पत्नी बिट्टो है, समझी? हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए, देखिए। ये फोटोज तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? अगर ये फोटोज भी झूठ है तो ये देखिए, कोर्ट में शादी करने से पहले हमारा जो पेपर बना था ये भी नहीं याद आपको? किस किस से झूठ बोलेंगे आप? इतना सब कुछ करने के बाद अब अचानक आपका मन बदल गया, आपका दिल इस लड़की पर आ गया, अब क्या इसकी भी जिंदगी तबाह करेंगे आप? बिट्टो मत देखो ये तस्वीर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसमें इसका जरूर कोई चाल है। हम नहीं जानते इसको। जय, अब हमसे ये सब नौटंकी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा करो, इसको धक्के देकर घर से बाहर निकालो। और बहुत गलती की हम इसके चक्कर में पड़ के। और नहीं तो का? अरे बताइए तो, इतना झंझटी आदमी हम नहीं देखे। ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम, उससे पता नहीं तेज देवर जी के हाथ पर कुछ का बीत रहे हो। अरे वो आदमी तो मर गया है, उसके मरने के ऊपर से काहे खेला खेला जा रहा है ये सब। देखिए आप लोग चुप हो जाइए, भगवान के लिए कछु मत बोलिए। हमको नहीं सुनना है आपका कहानी। आपका और हमारा कौनो रिश्ता नहीं है। अरे हम आपकी पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी राधिका है, राधिका। और भगवान के लिए हमारे पति की आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए। कोई हक नहीं आपको। हम तो बस आपकी माँ के आंसू को, उनके दुख को अपना दुख समझ लिए थे। लेकिन अब हमारा आपसे कौनो रिश्ता नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से, आप हमें परेशान मत कीजिए। हम तो किसी की परवाह ना करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर आपकी मदद करने चले थे, लेकिन आपकी मदद करने से राधिका का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप इतना सारा सबूत देखने के बाद भी इस औरत की बात मानने को तैयार नहीं है, तो सब होने के बाद भी हमें झूठा कहानी सुना रहे हैं। अरे चले जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी में और कछु ना ही बचा है। हमारी जिंदगी में और परेशानी मत बढ़ाइए। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मिल गई तसल्ली तुमको? अब चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ थामो और निकल जाओ यहाँ से। अरे इतना आसानी से ही जाने वाला नहीं। हथकड़ी पहनाकर दफा करिए इसको यहाँ से। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। पुलिस को? पुलिस को बुलाने का क्या जरूरत है? अरे इसके लिए तो हम ही लोग काफी हैं। जय, इसको धक्का देकर बाहर निकालो। बस बहुत हो गया, समझाते समझाते थक गए हम। और कितनी बार समझाएं आप लोग? कैसे कहें, कैसे बोले कि बिट्टो ही हमारी पत्नी और हम उससे प्यार करते हैं? अब अगर कोई हमारी तरफ आगे बढ़ा ना, तो हम ये भूल जाएंगे कि आपका और हमारा रिश्ता क्या। हम जा रहे हैं अपनी पत्नी से बात करने। तब कोई हमारे और बिट्टो के बीच आया तो फिर हम कुछ भी कर सकते। बहुत देख लिए हम बात करके, लेकिन अब नहीं। सब हमारा ही कसूर है, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस सब में। ये आदमी हमें हमारे दिल से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बिट्टो दरवाजा खोलो। बिट्टो, अरे वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। बिट्टो हमारी बात पे भरोसा करो, हमारा यकीन करो। बिट्टो दरवाजा खोलो।
पहले आप हमरा बात सुन लीजिए। आप जो कोई भी हो, हमें आपसे कौनो मतलब नहीं है। नहीं जानते हम आपको। इससे पहले कि हम और हमरे घर वाले आपके साथ कछु करें, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हम तुमको छोड़कर नहीं जा सकते बिट्टो। वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। अरे तुम हमारी पत्नी हो, हमारी बात पे भरोसा करो, दरवाजा खोलो। झूठ बोलते हो तुम, धोखेबाज हो तुम। वही है तुम्हारी पत्नी राधिका। राधिका हमारी पत्नी नहीं है। हमारी बात पे भरोसा करो और दरवाजा खोलो। बिट्टो हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, दरवाजा खोलो। बिट्टो मिल गया जवाब तुमको हा? अब अगर तुम चुपचाप यहां से नहीं गए तो हम सच में पुलिस को बुलवाएंगे। फिर तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, बता रहे हैं। धमकी दे रहे हो हमको? बुला लो जिसको बुलाना। हम नहीं डरते किसी से। बिट्टो अब हम कैसे समझाएं इन्हें? हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अपनी पत्नी को छोड़कर उसके जीते जी किसी और के पीछे ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे आप रो काहे रही हैं? चुप हो जाइए, रोने से कुछ नहीं होगा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अरे संभालिए अपने आप को, चुप हो जाइए। हम है ना तुम्हारे साथ, हम सब संभाल लेंगे। ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। लड़की देखी नहीं कि लगे लिपटने। पता नहीं कब सुधरेगा ये आदमी। रोइए मत, अब आप ही का सहारा है। आप ही कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, नहीं तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे अरे कैसी बात कर रही हो तुम? कितना कीमती होता है जान, और ऐसे कैसे जान दे दोगी? हम पर भरोसा रखो, हमको अपना समझो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे चुप करिए। ठीक है, अरे आपका ठीक कर देंगे हैं। और ऊपर तुम्हारे पति परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम। अरे तुम्हारे पति तुमको ना ही पहचानते हैं तो हमारे पति क्या करेंगे हा? अरे काहे परेशान कर रही हो इनको? अरे तुम इनसे ऐसे काहे बात कर रही? आप एकदम चुप रहिए। बहुत ज्यादा हमदर्दी जताया जा रहा है। अरे तो इनको जाने दीजिए, आपसे हम बाद में निपटते हैं। इलो आ गए हैं आपके पति, अब संभालिए इनको। प्रभू ऐसा आदमी तो हम पहली बार देखे हैं। आप क्यों अपनी वजह से इन सब लोगों को भी परेशान कर रहे हैं? चलिए ना घर चलते हैं। तुम चाहती हो ना हम तुम्हारे साथ घर चले? एक पत्नी अपने पति से और क्या चाहेगी? ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब और क्या बात करना चाहते हो तुम? क्या बाकी रह गया अब? अरे तुम लोग जानते हो ना कि हम इनको लेके यहाँ से चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बात तो कर लेने दीजिए इनके साथ। बोलिए क्या कहना है आपको? चलो आपको क्या बात करनी है बताइए तो सही। आप ऐसे काहे देख रहे हैं? जो कहना है दूर से कहिए। हमने कहा ना कुछ जो कहना है दूर से ही कहिए। हमारे पास आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी कहलाने का बहुत शौक है ना तुमको, और हम तो तुम्हारे पति हैं, तो एक पति होने के नाते हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना आपको जो भी कहना है दूर से कहिए, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो किसके पास जाएं? बड़ी अजीब पत्नी, अपने पति को पास नहीं आने दे रही। अरे तुम्हारे चेहरे पर डर कैसा है? अपने पति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमको छोड़ दीजिए, हमारी बात सुनिए, हमें जाने दीजिए। अरे अपनी पत्नी को ऐसे कैसे जाने दें?
अरे क्या हुआ तुम हमको बताओ, डरी क्यों? हम बात कर रहे हैं ना, तो बीच में काहे बोल रहे हो? अरे क्या हुआ है तुमको? हमको तो पक्का मालूम था कि ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। हमको बताओ क्या किया है? अंदर ले जाकर ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और कह रहे थे कि बाहर जाकर सबको कह दो कि जो तुमने कहा था सब झूठ था। आपने ऐसा क्या कह दिया है जो ये हमको मारने के लिए उतारू हो गए? लानत है तुम्हारे जैसे इंसान पर। इतने गिरे हुए हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारे जैसे आदमी को तो धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए। जे, इसे इसी वक्त घर से निकालिए। हम ऐसे गिरे हुए इंसान को देखना भी नहीं चाहते हैं। अब कोई हाथ लगाकर दिखाओ हमें। बहुत सह चुके हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अब खून खराबे पे उतर आए तुम? ना तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश किए थे और ना ही धमकी दिए थे, लेकिन अब सच में मार देंगे। आज हम ये बात साबित कर देंगे कि प्यार में आदमी ना सिर्फ जान ले सकता है बल्कि दे भी सकता है।